हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम प्लैनेट्स को कैसे देख सकते हैं। वैसे तो हम जब शाम के समय आसमान में देखते हैं, हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, लेकिन इन तारों के बीच में कुछ प्लैनेट्स भी हम जो हैं, लेकिन इन्हें पहचानना इतना आसान नहीं रहता है। कारण जो ये भी तारों जैसे ही दिखाई देते हैं, प्लैनेट्स हालांकि हमारे काफी पास है लेकिन साइज में बहुत छोटा होने की वजह से ये भी लगभग तारे जैसे ही दिखाई देते हैं। तो बेसिकली हम 5 प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से। तो उन 5 में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। इसमें छठा प्लैनेट है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, इसे हम देख सकती हैं, लेकिन इन 5ों को भी हम अंतरिक्ष में आसमान में देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप से या दूरदर्शी की मदद से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुध और शुक्र की। बुध और शुक्र की जो कक्षा है वो पृथ्वी की कक्षा के अंदर पड़ती है, सूरज की साइड में। तो इन्हें देखने के लिए कुछ अलग मेथड रहते हैं, और मंगल, बृहस्पति, शनि जो है ये बाहर की तरफ पड़ते हैं। इन्हें देखने के लिए हम अलग मेथड इस्तेमाल करेंगे पहचानने के लिए, बेसिकली कि हम इन्हें आसमान में कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध और शुक्र की। अगर हम इसे सूर्य मान लें, बुध है उसकी कक्षा सूर्य के पास होगी और पृथ्वी की कक्षा बाहर पड़ती है। बुध का परिक्रमण काल करीब 88 दिन का होता है, जबकि पृथ्वी का 365 दिन। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब तक पृथ्वी सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लेती है, बुध लगभग 4 चक्कर सूरज के अराउंड ले चुका होता है। तो बुध कुछ खास कंडीशन में ही, कुछ खास पोजीशंस ऐसी आती हैं, स्थिति जिन पे आप बुध को देख सकते हैं। तो उनमें से पहली कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि बुध सूर्य से किस एंगल पर है, कितने डिग्री का वो कोण बना रहा है। इसे हम बोलते हैं परसर कोण। और बुध का अधिकतम परसर कोण करीब 28 डिग्री का होता है, और 28 डिग्री के कोण पे भी बुध को देखना इतना आसान नहीं होता। सबसे पहली कंडीशन यही है बुध को देखने के लिए कि आप किसी शहर में ना रहते हो, किसी गांव या ऐसे इलाके में रहते हो जहां पर लाइट पोल्यूशन सबसे कम हो, तो उस कंडीशन में आप बुध को देख सकते हैं। और बुध को आप तब देख पाएंगे जब बुध इस पोजीशन पे है या इस पोजीशन पे है और पृथ्वी यहां पर है। ये कौन रहेगा अधिकतम 28 डिग्री। इस 28 डिग्री के कौन पर आप बुध को देख सकते हैं। और बुध 2 तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर हम इसे क्षितिज मान लें तो बुध के देखने की 2 कंडीशन है, पहला सूर्योदय के समय और दूसरा सूर्यास्त के समय। सूर्योदय के समय सूर्य के निकलने से पहले आप बुध को देख सकते हैं सूर्य के दाईं ओर। ऐसा इनकी कक्षा की झुकाव की वजह से, जो पृथ्वी और बुध की कक्षाएं हैं सूरज के इर्द गिर्द, उसके झुकाव की वजह से लगभग दाईं ओर ही दिखाई देता है सूर्योदय। और दूसरा आप देख सकते हैं सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय सूरज के छिपने के कुछ बाद, तो अगर आपका सूरज छिप चुका है तो आपको बुध दिखाई दे जाता है शाम के समय। लेकिन बुध को देखना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि काफी कम चमक के साथ दिखता है। और इन 2 कंडीशंस में पहली ये है और दूसरी ये कौन भी 28 डिग्री का होगा। अब जैसे जैसे अगर हम मान के चल रहे हैं बुध की कक्षा ऐसे है, जब बुध इस पॉइंट पर पहुंचता है पृथ्वी बुध के सापेक्ष बहुत कम आगे चल पाती है, तो लगभग यहां होगी। तो ये एंगल, ये वाला जो कोण होगा, ये छोटा होता चला जाएगा।
और इस कंडीशन में हम बुध को नहीं देख सकते, ये सूरज के साथ ही उदय होगा और सूरज के साथ ही अस्त हो जाएगा। सिर्फ ये दो कंडीशन बचती हैं जिनमें ये आपको आसानी से दिखाई दे जाएगा। कुछ ऐसा ही रहता है शुक्र के साथ, लेकिन शुक्र की जो कक्षा है वो बुध की कक्षा के कंपेयर में बड़ी है, तो हम कुछ आसानी से उसे देख सकते हैं। अब अगर हम इसे शुक्र की कक्षा मान ले तो वही परसर कौन शुक्र के लिए करीब 48 डिग्री का है। और शुक्र को देखना काफी आसान होता है, इसके रीजन बड़ा ग्रह है कंपेयर टू मरकरी बुध के, दूसरा नजदीक है पृथ्वी के, और तीसरा अधिकतम प्रकाश को परावर्तित करता है। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र हमारे आसमान में सूर्य और चंद्रमा के बाद चमकने वाला तीसरा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट या पिंड है जिसे हम अंतरिक्ष में देख सकते हैं। और यह भी ठीक ऐसे ही दिखाई देता है जैसे बुध और सूर्योदय के समय दिखाई देता है और सूर्यास्त के समय दिखाई देता है, लेकिन इसका जो कोण रहता है काफी बड़ा रहता है। अगर हम सूर्योदय की बात करें तो सूरज के निकलने से कुछ पहले कुछ और काफी पहले तक अगर ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे 48 डिग्री एंगल पे है तो काफी ऊपर क्षितिज से दिखाई भी जाएगा। आप इसे इस पोजीशन पे देख सकते हैं और ठीक इसी तरीके से सूर्यास्त के समय हम इसे फिर से क्षितिज मानते हैं। सूर्यास्त शुक्र की एक खास बात हो रही है, आपको सूरज की रोशनी के साथ साथ भी दिखाई दे सकता है। सूर्यास्त होने के बाद भी आसमान में सूर्य की रोशनी रहती है और अगर ये अपने मैक्सिमम एंगल पे है तो सूरज की रोशनी के साथ साथ भी आपको आसमान में ये दिखाई दे जाएगा पश्चिम दिशा। और ये वाला हमारा एंगल रहेगा अगर हम इसे मानते हैं आपकी पोजीशन, अड़तालीस डिग्री वही एंगल होगा सूरज और शुक्र के बीच, ये परसर कोण रहता है शुक्र के लिए 48 डिग्री। तो इस तरीके से आप इन दोनों ग्रहों को देख सकते हैं। बुध को देखना काफी मुश्किल काम है, इसके लिए आपको किसी डार्क एरिया में जाना होगा, गांव या ऐसे इलाके जो शहर से दूर हो, लेकिन शुक्र आपको शहरी इलाके से भी दिखाई दे जाएगा और इसकी चमक जो है सूर्य के बाद चंद्रमा और उसके बाद आपका शुक्र। तो इस तरीके से आप इन दोनों प्लैनेट्स को आसमान में पहचान सकते हैं। शुक्र को पहचानना काफी आसान है, इसकी चमक सबसे तेज रहती है। इसके बाद आते हैं मंगल बृहस्पति और शनि, इनके परसों को 180 डिग्री के हो सकते हैं, तो इन्हें कैसे पहचानेंगे इसके लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए